हाय दोस्तों दोस्तों इससे पहले के दो वीडियो थोड़ा ख़राब हो चुका था, लेकिन उसमें एडवर्स साउंड बढ़िया है। और आज से वीडियो इस टाइप से बनेगा, आपको जैसे यूट्यूब में देखते हैं उस टाइप से मोड में बनेगा। तो चलिए यहाँ से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, तीसरा पेज है। चलिए तो मैं पढ़ते जाऊँगा, आपको ध्यान सुनते जाना है, और मैं पढ़ते क्वेश्चन को दो बार पढ़ूँगा, ठीक है। एवोकाडो संख्या का मान होता है, आंसर है 6.023 × 10³। क्वेश्चन है एवोकाडो संख्या का मान होता है, तो आंसर है 6.023 × 10³। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक होता है, तो आंसर है बढ़ता है। क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है, आंसर है बढ़ता है। क्वेश्चन है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो आंसर है लाल रक्त कण RBC। क्वेश्चन है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो आंसर है लाल रक्त कण RBC। अगला क्वेश्चन है भाषा में घुलनशील विटामिन है, तो आंसर है A, D, E तथा K। क्वेश्चन है भाषा में घुलनशील विटामिन है, तो आंसर है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है धमनी की चाल होती है, तो आंसर है 760 मील/घंटा। क्वेश्चन है ध्वनि की चाल होती है, आंसर है 760 मील/घंटा। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो आंसर है बॉक्साइट। क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो आंसर है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन RRB बंगलोर 1994 में पूछा गया है। क्वेश्चन है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं, आंसर है कीड़ों के श्राप के रूप में। क्वेश्चन है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, आंसर है कीड़ों के श्राप के रूप में। क्वेश्चन है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है सल्फ्यूरिकम। क्वेश्चन है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है सल्फ्यूरिकम। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में आधारी उपचारी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, तो आंसर है अपटू ग्रंथी। क्वेश्चन है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, आंसर है अपटू ग्रंथी। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो आंसर है टंगस्टन का। क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, आंसर है टंगस्टन के। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन RRB अजमेर 1994 में पूछा गया है। क्वेश्चन है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, तो आंसर है वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, आंसर है वास्तविक एवं उल्टा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, आंसर है लगभग 2.25%। क्वेश्चन है पानी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, आंसर है 2.5% यानी कि 2.5%। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता मापी जाती है, आंसर है लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन है दूध की शुद्धता मापी जाती है, आंसर है लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है धमनी के शोरगुल का मापन होता है, तो आंसर है डेसीबल में। क्वेश्चन है धमनी के शोरगुल का मापन होता है, तो आंसर है डेसीबल में। दोस्तों स्पीड में बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है मेरे लिए, और मैं आप स्पीड मैनेज कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन देता है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो आंसर है मीथेन CH4। क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो आंसर है मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कारक है, तो आंसर है ग्राहम बेल। क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कारक है, तो आंसर है ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन है मधुमेह रोग होता है, आंसर है इंसुलिन के अभाव से यानी कि इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है एस्कर्वी रोग होता है, आंसर है विटामिन सी के कमी के कारण। क्वेश्चन है एस्कर्वी रोग होता है, तो आंसर है विटामिन सी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब, आंसर है चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, आंसर है चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। क्वेश्चन है पेसमेकर संबंधित है, तो आंसर है हृदय से। क्वेश्चन है पेसमेकर संबंधित है, तो हृदय से। तो अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो आंसर है CaCl(CL) यानी कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2।
अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में पूछा गया। क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों, आंसर है दोनों कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होते हैं। क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि, आंसर है दोनों के कार्बन परमाणु की संख्या पृथक पृथक होती है। आंसर है प्राकृतिक बहुलक है तो आंसर है रबर। क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है तो आंसर है रबर। क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है तो आंसर है रबर। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो आंसर है एसिटिलीन गैस। क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो आंसर है मृदु लोहा। क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो आंसर है मृदु लोहा। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी मुंबई 1995 में पूछा गया। क्वेश्चन है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने के कारण कौन सा रोग होता है तो आंसर है मेनिनजाइटिस। क्वेश्चन है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने के से कौन सा रोग होता है तो आंसर है मेनिनजाइटिस। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है तो आंसर है किलोग्राम। क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है तो आंसर है किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, पौधे और जीवन के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है तो आंसर है बायोजियोग्राफी। क्वेश्चन है, पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है तो बायोजियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एक राशि है तो आंसर है अदिश। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एक राशि है तो आंसर है अदिश। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो आंसर है बृहस्पति। क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो आंसर है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो आंसर है ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो आंसर है ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी भोपाल 1995 में पूछा गया। तो क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो आंसर है सोयाबीन एवं मशरूम। क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो आंसर है सोयाबीन एवं मशरूम। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती तो आंसर है निर्वात से होकर। क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती तो आंसर है निर्वात से होकर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है तो आंसर है काला। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रेडियन किसकी इकाई है तो आंसर है कोण का। क्वेश्चन है, रेडियन किसकी इकाई है तो आंसर है कोण का। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी को कहा जाता है आंसर है एनीमिया। आंसर है क्वेश्चन है, खून की कमी को कहा जाता है तो आंसर है एनीमिया। क्वेश्चन है, खून की कमी को कहा जाता है तो आंसर है एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है तो आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO का। क्वेश्चन है, भारी जल किसका सूचक है तो आंसर है ड्यूटेरियम D2O का। अगला क्वेश्चन है, जो आरआरबी अहमदाबाद 1995 पूछा गया है। क्वेश्चन है, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन है, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है तो आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन है, कोबाल्ट पाया जाता है तो आंसर है विटामिन B12 में। क्वेश्चन है, कोबाल्ट पाया जाता है तो आंसर है विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक होता है तो एम्पियर सेकेंड। क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक है तो आंसर है एम्पियर सेकेंड। क्वेश्चन है अगला डायमिट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आंसर है आयरन की कमी से। क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग होता है तो आंसर है आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी गुवाहाटी 1996 में पूछा गया। आंसर है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो आंसर है साइटिकम। क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो आंसर है साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है तो आंसर है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है तो आंसर है नाइट्रोजन 78%। अगला क्वेश्चन है, गैसोहोल बनता है आंसर है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। क्वेश्चन है, गैसोहोल बनता है आंसर है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन है,
अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है कार्बन के दो मुख्य अपरूप है? तो आंसर है हीरा एवं ग्रेफाइट। क्वेश्चन है कार्बन के दो मुख्य अपरूप है? तो आंसर है हीरा एवं ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? आंसर है फीमर। ये जांघ की हड्डी होती है, सॉरी एक्सप्लेन नहीं करना है, अगला कोई वीडियो आएगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो आंसर है फीमर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है? तो आंसर है 206। क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल हड्डियों की कितनी संख्या? तो आंसर है 206। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष दूरी, प्रकाश वर्ष मात्रक है? तो आंसर है दूरी का। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है, आंसर है दूरी का। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? आंसर है, क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो आंसर है एंडरसन ने। क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? ओजोन परत। क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? आंसर है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? आंसर है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है अरबी त्रिवेंद्रम 22 तारीख नवंबर महीना 1996 को पूछा गया है। क्वेश्चन है डायनोमो का आर्मेचर बना होता है? आंसर है इस्पात से। क्वेश्चन है डायनोमो का आर्मेचर बना होता है? आंसर है इस्पात से। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो उसका वजन चांद पर होगा 100 N होगा, एक बटे छः चौथाई हो जाता है, यानी कि छः जितना भी पृथ्वी का वजन, अगला क्वेश्चन है सोना का अपेक्षित घनत्व है? तो 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन है सोना का अपेक्षित घनत्व है? तो आंसर है 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है ठोस कोण की इकाई है? आंसर है स्टेरेडियन। क्वेश्चन है ठोस कोण की इकाई है? तो आंसर है स्टेरेडियन। तो दोस्तों ये रहा वीडियो पेज नंबर स्पीडी बुक का पेज नंबर 3 का स्पीडी साइंस, जो नया पैटर्न पे आया हुआ है, जिसमें NTPC का जो CBT 1 का एग्जाम हुआ वो भी इंक्लूड है। उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर नंबर दिया रहता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और डाउट पूछना होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।